दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांत का वर्णन करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत को समझेंगे। जो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, मैंने स्वयं इसी नोट्स को लेकर तैयारी किया है, उसी तैयारी को आप तक साझा कर रहा हूँ, उसी नोट को आप तक साझा कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बुद्धि तो बुद्धि का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसमें तीन तत्व को शामिल किया गया है। क्या कहता है बुद्धि का सिद्धांत? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक अर्थात सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने निर्मित किया है। बुद्धि एक, दो या तीन तत्व न होकर के बहुतत्व युक्त होती है। इसमें प्रत्येक तत्व एक अलग क्रिया को संपन्न करता है। बुद्धि के तीन सिद्धांत बताए हैं दोस्तों। जो थॉर्नडाइक हैं शिक्षा शास्त्री, उन्होंने बुद्धि के एक कारक, द्वि कारक और बहु कारक बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं। उनका कहना है दोस्तों कि बुद्धि के बहुत सारे तत्व होते हैं। प्रत्येक तत्व में जो काम करने की शक्ति, क्रिया है ना, वो अलग अलग होती है। अलग अलग तरीके से प्रत्येक जो बुद्धि के तत्व है काम करता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू रेत के टीले से की तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का भी समावेश किया था। इसने बालू के रेत के जो टीला बना होता है उसके तुलना थॉर्नडाइक ने बुद्धि के सिद्धांत से किया था। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि के जो सिद्धांत है ना, उसके अंतर्गत हम तीन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक कारक सिद्धांत इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं विनय है ना। तो एक कारक सिद्धांत को विनय ने दिया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में काम करती है। बुद्धि के सिर्फ एक ही प्रकार होते हैं जो सभी कार्यों में कॉमन रूप से कार्य करता है। इसे विनय ने सिद्ध किया था एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत। द्विकारक सिद्धांत को दिया था स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनती है। अब देखिए, एक कारक में बुद्धि को केवल एक ही तत्व बताया, जबकि द्विकारक में बुद्धि के दो तत्व बताया, एक सामान्य तत्व और एक विशिष्ट तत्व। अब बुद्धि के सामान्य तत्व क्या कहता है? हर व्यक्ति बुद्धि जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग होती है ना। बुद्धि जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग होती है। यह सामान्य तत्व है, जनरल जो तत्व है, जनरल एलिमेंट, ठीक है। और विशिष्ट तत्व में उन्होंने बताया कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली, अर्थात पहला तो बुद्धि हम जन्मजात लेते हैं, दूसरा हम अर्जित करते हैं, अर्जित अर्थात वातावरण और परिवेश में रहकर। तो द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो तरीका बताया। अगला आता है दोस्तों आपका समूह कारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थर्स्टन है, इन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। अब इन्होंने बुद्धि को बहुत सारे योग्यताओं का मिश्रण बताया। तो उन्होंने समूहों में बताया गया उनके द्वारा कि बुद्धि जो है समूहों में पाई जाती है। सात मानसिक योग्यताओं से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है, ऐसा दोस्तों आपको थर्स्टन ने बताया है। तो थर्स्टन ने सात प्रकार की बुद्धि क्या क्या बताया, देखिए। वर्बल एबिलिटी, जिसे शाब्दिक अर्थ क्षमता कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे गणितीय योग्यता कहते हैं। परसेप्चुअल एबिलिटी, जिन्हें अवधारणात्मक योग्यता बोलते हैं। स्पेक्चुअल अर्थात स्थानिक बुद्धि, अवधारणात्मक बुद्धि, विश्व प्रवाह क्षमता, स्मृति क्षमता। ये सात प्रकार की बुद्धि थर्स्टन ने बताया है। इसमें दोस्तों वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक अर्थ क्षमता में शब्दों के अर्थ समझने की जो योग्यता है। न्यूमेरिकल अर्थात गणितीय योग्यता है, गणित को समझने से। अवधारणा माने किसी भी वस्तु की अवधारणा को समझने की योग्यता है। स्थानिक बुद्धि में इसका जो है दोस्तों मानसिक छवि का निर्माण करना, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार जो बनते हैं ना, तो इसके अंतर्गत आते हैं, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और जो इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्टर बनते हैं, तो वे क्या है आपका, गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, क्लियर है। उसके बाद है दोस्तों आपका देखिए अवधारणात्मक योग्यता में जो अवधारणाओं को समझते हैं वो अवधारणात्मक योग्यता में आते हैं। भावनात्मक, जिसमें भावनात्मक
लगाव जिसमें ज़्यादा होती है जिस बालकों में, उनमें यह जो योग्यता है क्षमता है पाई जाती है। और विश्व प्रवाह क्षमता, तो कई ऐसे भी होता है दोस्तों वर्ड फ्लुएंसी, विश्व के बारे में जिनकी जानने की जो ललक है तो इसमें आता है। स्मृति क्षमता जिसकी याददाश्त ज़्यादा होती है वो इस क्षमता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत थर्स्टन ने 7 प्रकार के बुद्धि के जो तत्व है बताए। इस हम कह सकते एक कारक का सिद्धांत विने ने दिया, द्विकारक स्पीयरमैन और बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था, जिन्होंने अलग अलग बुद्धि के तत्व बताए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।